स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्टिंग डायरेक्ट के इंपरेटिव सेंटेंस की। लेकिन कल मैंने आपसे बात की थी कि असर्टिव सेंटेंस का एक ऐसा सेंटेंस है जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते और वो एग्जाम में 75% या 80% ऐसा होता है कि आता है और लोग उसको गलत कर देते हैं। कुछ ऐसी क्वालिटी ही इस सेंटेंस की है जो हम लोग को ये माइंड हैबिचुअल हो जाता है कि जो भी होगा हमें रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का टेंस चेंज करना है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जब हमें टेंस को चेंज नहीं करना होता। सेंटेंस आपको देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है मैंने कि ही सेज टू मी आई हैव ज्वाइंड योर पार्टी टुडे। अब देखिए, आपको यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जरूरी है। क्या है कि यहां पर ये जो सेज लिखा है आपका, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, लिख लीजिए इसको कहीं पे भी कॉपी में कि जब हमारे रिपोर्टिंग इस वर्ब वाले सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। खूब अच्छे से सुन लीजिए इस चीज को कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। क्योंकि आपको भी ये बात पता होगी कि कोई चीज अगर हम लोगों ने पढ़ा है, अगर दो सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं तो पहला सेंटेंस जिस टेंस में होगा दूसरा सेंटेंस भी उसी टेंस में होगा। यहां पर भी दैट कंजंक्शन हम जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है। तो पहला वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो दूसरा भी हमें प्रेजेंट में ही रखना है, ना कि उसको पास्ट में लेके जाना है। और यहां पर इसका बनेगा क्या, सेज टू के बारे में मैंने बताया था कि जब सेज टू आता है तो टेंस का यूज करते हैं, मी फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का यूज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है चेंज ही से होगा तो ही आ जाएगा। अब यहां पर हैव है, नॉर्मली हम लोग हैव का हेड करते थे लेकिन यहां पर हम हैव का हेड ना करके क्योंकि प्रेजेंट में ही रखना है तो या तो हैज रखना है तो हैव, तो आई के साथ हैव समझ में आता है और ही के साथ क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। ज्वाइंट को ज्वाइंट ही कर दो, ठीक है। योर की चेंजिंग आप मी से करेंगे तो माई हो जाएगा, पार्टी का पार्टी हो जाएगा, टुडे का भैया टुडे ही रहेगा, दैट डे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टुडे को हम दैट डे में तब चेंज करते हैं जब हमारा टेंस भी चेंज होता है। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन था, यही मैंने सोचा कि आज आपको बता दूं। बाकी हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज क्लास को शेयर करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना। फिर चलिए हम लोग आते हैं अपने इंपरेटिव सेंटेंस की ओर। चलिए बात करते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस व्हिच इज ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू किए जाते हैं, यानी इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा यहां पर क्योंकि आपको यहां पर्सन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यानी मी, योर, यू, माई, ये सभी वर्ड आएंगे तो आपको उससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ भी हो जाए, कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप पर्सन से भाग नहीं सकते। बस ये है कि आप उसके सब्जेक्टिव पार्ट से भागेंगे यहां पर, लेकिन पजेसिव और ऑब्जेक्टिव से नहीं भाग पाएंगे। तो यहां पर बात मैंने आपसे कही कि ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वैसे इंपरेटिव सेंटेंस का पूरा मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। अब यहां पर बात यह है कि इनको हम कैसे यूज करेंगे। हम लोग यहां पर चार टाइप पढ़ेंगे। अभी टाइप नंबर फर्स्ट की बात करने जा रहा हूं मैं, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ चारों टाइप की क्लास आज मैं लूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। लास्ट में कुछ सेंटेंस भी दूंगा या बीच में सेंटेंस दूंगा, तो आपको देखना है। अब बात यहां पर यह है कि सबसे पहले सेड या सेड टू के स्थान पर हम यूज क्या करते हैं। तो सेड या सेड टू के स्थान पर जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड का यूज किया, टेल का यूज किया, इंपरेटिव सॉरी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड का यूज किया, उसी तरह से सेड या सेड टू की जगह पर भी यहां पर कुछ होने वाला है। तो यहां पर मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के भाव के अनुसार हम क्या करेंगे, अपने सेड या सेड टू की जगह पर चीजों को रखेंगे। यानी जो सेंस होगा वो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला है रिक्वेस्टेड,
यानी निवेदन का भाव प्रकट हो सकता है, ऑर्डर का भाव प्रकट हो सकता है, एडवाइस का भाव प्रकट हो सकता है, सजेस्टेड का भाव प्रकट हो सकता है या प्रपोजल का। अब यहां पर एक चीज आपको यह समझनी है कि सजेस्टेड और प्रपोजल टाइप फोर में आएंगे, इनका अभी कोई यूज नहीं है, लेकिन टाइप वन की बात मैं कर रहा हूं, यानी हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं, टाइप फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं। अब टाइप फर्स्ट में हमें केवल ये तीन वर्ड जानने हैं, रिक्वेस्टेड का यूज, ऑर्डर का यूज, एडवाइस का यूज। कुछ लोग ऐसे भी होता है कि सलाह और सुझाव में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं भैया, जब आप सेम एज वाला आपको आदमी, आपका हम उम्र सेम एज का होगा तो वो सलाह देगा, लेकिन आपसे अगर बड़ा है तो वो हमेशा आपको सजेस्ट करेगा, यही दोनों में अंतर होता है। अब बात यहां पर ये आती है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या करेंगे, तो कंजंक्शन या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम यहां टू का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम क्या यूज करेंगे, टू का। तो सेंटेंस को पढ़ना है, उसकी हिंदी निकालनी है, हिंदी निकालने के बाद सेड या सेड टू की जगह पर आप रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस में से एक रखेंगे जो आपको सेंटेंस में निकलने वाला भाव नहीं मिलेगा। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू का प्रयोग करेंगे, फिर आप वर्ब को चेंज करना ही नहीं है, आपको सीधे ऑब्जेक्ट के पास जाए, उसको जो भी चेंज करना है वो करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेंटेंस की। टाइप नंबर फर्स्ट है यहां पर, चलिए तीन सेंटेंस आपके सामने हैं, आपको इसकी हिंदी निकालनी है और वो करना है। सबसे पहला सेंटेंस है कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, अपनी क्लास में बैठो और अपना पाठ याद करो। तो यहां पर टीचर रिक्वेस्ट कर रही है या कर रहा है, एडवाइस दे रही है या ऑर्डर दे रहा है, क्या हो रहा है? तो अभी सी बात है ऑर्डर का सेंस दे रहा है, तो यहां पर आप लिखें कि द टीचर, सिर्फ आपको करना क्या है, द टीचर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड करना है, सेकेंड फॉर्म लेना है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहां पे टू करो, सिट को सिट ही रहने दो, इन को इन, योर की चेंजिंग आप यहां पर करेंगे तो यहां मानना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं। भाई टीचर ने कहा तो ऑब्वियस बात है किसी लड़के से कहा होगा या किसी लड़की से कहा होगा या मुझसे कहा होगा, तो यहां पर आप हिम या हर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हिम रखोगे तो योर की चेंजिंग हिम से, यानी यू का सेकेंड फॉर्म है योर, हिम का सेकेंड फॉर्म यानी हिज हो जाएगा, या हर कर दो, क्लास एंड लर्न, अब योर फिर आया, तो फिर भाई यहां पर फिर वही चीज है कि या तो हिज रखो या तो हर, और फिर उसके बाद क्या कर दोगे, लेसन, ऐसे आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं भाई, सब कुछ तो आपको पता ही, आपने पर्सन चेंज किया है ऑलरेडी, सिर्फ इसमें क्या नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब ही तो नहीं आई, सब्जेक्ट ही तो नहीं आया, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है ना भाई। कोई आपसे कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा तो भी आप ही होंगे, ऑर्डर देगा तो भी आप ही होंगे, एडवाइस देगा तो भी आप ही, तो यानी सेकेंड पर्सन ही तो होगा। सेकेंड है कि सी सेड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, तो उसने कहा अपने एग्जाम के लिए मेहनत करो, तो ये कहीं ना कहीं एक एडवाइस है, तो सी एडवाइज कर दो, सी एडवाइज, फिर टू कर दो, फिर वर्क हार्ड आपको पूरा लिखना ही है, फॉर का फॉर कर दो, योर की चेंजिंग, फिर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हिम मान लो या हर, तो हिम मानोगे तो हिज, हर मानोगे तो हर, और एग्जाम को एग्जाम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है ही सेड टू हर हेल्प मी, उसने उससे कहा मेरी मदद करो, तो ये रिक्वेस्ट की उसने, तो यहां पर लिख दो कि ही रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प, और मी आया फर्स्ट पर्सन, ही से चेंज करोगे तो हिम आएगा कि नहीं आएगा, यही तो आएगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है, बस आपको सही हिंदी निकालनी है सेंटेंस की, सही हिंदी निकालो, हिंदी निकालने के बाद आप उस पर चेक करें कि रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है कि एडवाइस है, सजेशन सॉरी रिक्वेस्ट ऑर्डर या एडवाइस तीन में से है कौन सा, जो भी तीनों हो आप उसको सेड या सेड टू की जगह पर रखें, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू ही आएगा, उसके बाद वर्ब लिखो, फिर अंदर जो चेंजिंग मांग रहा है अगर वो मांग रहा है तो लिखो, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। अब यही पे होता वर्क हार्ड है ना, इतना ही होता तो आगे हमें योर की चेंजिंग ही नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन वो तो हमने आपको इसलिए योर दिया, क्यों दिया, क्योंकि आपसे चेंज करवाना मेरा मकसद है कि आपको वो पर्सन भी सही से आने चाहिए, अदरवाइज इतने में भी काम हो जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस, एग्जाम में आपके काफी पूछा जाता है, अक्सर इससे क्वेश्चन आते भी हैं, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें जाननी चाहिए। ये टाइप नंबर फर्स्ट था आपका। टाइप नंबर सेकेंड में आते हैं,
चलिए टाइप नंबर सेकेंड है जिसको हम डोंट वाला सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डू नॉट या डोंट वाला सेंटेंस। इसमें ऐसा क्या है? तो भाई यहां पर ऐसा है कि डोंट का मतलब होता है मना करना, जैसे डोंट टच मी, डोंट गो देयर, डोंट कम हियर, यहां मत आओ, वहां मत जाओ, मुझे मत छुओ, मेरी पेन मत छुओ, यानी मना करने का सेंस होता है। अक्सर हम डोंट का यूज मना करने के सेंस में ही करते हैं। तो बात यहां पर यह आती है कि चलिए ठीक है मना किया, लेकिन जब इसको हम चेंज करेंगे, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी है कि सेड या सेड टू की जगह पर आप फॉरबेड का यूज करें। फॉरबेड क्या है? फॉरबिड की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है मना करना। फॉरबिड का मतलब भी मना करना और फॉरबेड उसका सेकेंड फॉर्म। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम टू का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय हम दोबारा डोंट का यूज नहीं करते या डू नॉट का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी मना करने के लिए फॉरबेड का प्रयोग कर दिया है। या तो सेड या सेड टू की जगह पर हम लोग एडवाइस का भी यूज करते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। जो ये तरीका है ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है। अब के टाइम में, अब के समय में लोग फॉरबेड का ही यूज आसान मानते हैं, क्योंकि फॉरबेड के अलावा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू और डू नॉट को तो यूज ही नहीं करना है ना। अब देखिए सेंटेंस आपके सामने कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरा समय मत बर्बाद करो। तो ही फॉरबेड कर दो कि ही फॉरबेड मी टू, है ना। फॉरबेड का यूज किया, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब टू का यूज किया, डू नॉट को लिखना ही नहीं है तो सीधे वेस्ट पे आ जाओ। वेस्ट माय आई का फॉर्म है, ही से चेंज करोगे तो हीज हो जाएगा और टाइम का टाइम। या तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ही एडवाइज्ड और फिर उसके बाद मी और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहां पे क्या रखना है नॉट टू, उसके बाद लिख दो वेस्ट, फिर वही चीजें हो जाएंगी माई टाइम। यानी दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, इजी थोड़ा सा ये होता है। नेक्स्ट है आई से डू नॉट टच माई टच हर बैग, तो आई फॉरबेड कर दो, आई फॉरबेड टू टच हर, क्या है थर्ड पर्सन सी का है, चेंज ही नहीं होगा, और बैग को बैग कर दो। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आई एडवाइज्ड नॉट टू, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यहां पर मी था इसलिए हमने मी नॉट टू किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं, तो आई एडवाइज नॉट टू टच हर बैग, उसका बैग मत छुओ। तो यहां पर एक तरह से सलाह भी है और एक तरह से मना करने का भी सेंस है। आप इसको आराम से समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास बुक है उसको भी एक बार पढ़कर आप देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलिए चलते हैं टाइप नंबर थ्री की ओर। चलिए टाइप नंबर थर्ड है, इसको मैंने नाम दिया रिक्वेस्टेड वाले वाक्य। रिक्वेस्टेड वाले वाक्य क्या है ये समझना है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रिक्वेस्ट करने का ही सेंस देते हैं, जैसे प्लीज हो गया। प्लीज सेंटेंस में कहीं पे भी आ जाए, फिर चाहे शुरू में हो चाहे लास्ट में हो, वो रिक्वेस्ट का ही सेंस देगा। काइंडली प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, सर और मैडम, चार ऐसे हम लोग सर और मैडम कब कहते हैं, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं तभी तो कहते हैं ना। तो यहां पर हमें यही चीज देखना है कि जब भी प्लीज काइंडली सर मैडम, अगर ये सेंटेंस के चाहे शुरू में आए चाहे लास्ट में आए, इनसे निकलने वाला जो भाव होगा वो रिक्वेस्टेड का ही होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर टू ही यूज करेंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में टू का ही प्रयोग होता है। उसके अलावा जब भी आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्लीज और काइंडली सर मैडम, फिर वो चाहे जहां हो, इनडायरेक्ट बनाते समय उनका प्रयोग नहीं करते। सेंटेंस है जैसे आपके सामने, ही सेड काइंडली गिव मी योर पेन, उसने कहा कृपया मुझे अपनी पेन दे दो, तो ही रिक्वेस्ट ही तो किया ना भैया, तो ही रिक्वेस्टेड टू, काइंडली का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमने रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर दिया। जैसे हम लोग डू नॉट का प्रयोग नहीं किए क्योंकि हमने फॉरबेड का यूज किया, तो फिर सीधे आते गिव के पास, मी यहां पर है, ही से चेंज करोगे तो हिम हो जाएगा, योर की चेंजिंग यहां पर हिम या हर, मान लो तो हिम मानोगे तो हिज, हर मानोगे तो हर, और पेन का पेन हो जाएगा। उसी तरह से यू सेड टू हर लीव मी प्लीज, तो यू प्लीज आया है तो रिक्वेस्टेड कर दो, यू रिक्वेस्टेड हर टू लीव मी की चेंजिंग यू से करोगे तो यू हो जाएगा, क्योंकि आई माई मी थर्ड, यू का थर्ड क्या होगा यू, और फिर प्लीज का यूज नहीं करेंगे। तो ये है आपका रिक्वेस्ट, ये आपका टाइप नंबर थर्ड। जब भी रिक्वेस्ट प्लीज काइंडली सर मैडम का यूज हो जाए सेंटेंस में
और उसे अगर हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट में हम कभी भी उन शब्दों का प्रयोग दोबारा नहीं करते। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 4 में, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, गजब का है, देखना है, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 4 है जिसको मैं लेटस के नाम से बताता हूं, लेटस के नाम से आपको जानना है। यानी जब भी इंपरेटिव सेंटेंस हो या आपका डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस अगर आपका लेट अस से शुरू है तो लेट अस का मतलब क्या होता है, अगर आपने देखा होगा लेट्स प्ले, लेट्स हैव फन, है ना, लेट्स स्टार्ट, है ना, और खेलते हैं, मजा लेते हैं, शुरू करते हैं। यानी लेट्स का यूज कहीं ना कहीं एक तरह से प्रपोजल का सेंस होता है। जैसे हमने कहा आओ कॉफी पीने चलते हैं, तो इसका मतलब मैंने अपने सामने वाले को क्या दिया है, प्रपोजल दिया है। प्रपोज माने क्या होता क्या है, तो भैया प्रपोज माने दूसरी चीज ना सोचो, सब मोहब्बत प्यार सब जो घर में जाने दो, वो सब कोई मतलब नहीं है, वो सब मोह माया है, ठीक है। इसलिए सब मैं बहुत मेरा ये ऑथेंटिक जो है बहुत वर्ड निकलने वाला मेरे मुंह से होता था, सब मोह माया है। तो भैया क्योंकि प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। भाई आप अगर किसी से प्यार से कहते ना आई लव यू, तो इसका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसका मतलब आप उसको प्रस्ताव दे रहे, विल यू मैरी मी, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड, विल यू बी माय बॉयफ्रेंड, ये सारे वर्ड तो एक प्रपोजल ही तो है ना। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सेड या सेड टू की जगह पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड का। सजेस्टेड भी यहां यूज होता है सुझाव के सेंस में, लेकिन 90% कंडीशन में लोग प्रपोज्ड का ही यूज करते हैं, सजेस्टेड का यूज बहुत कम होता है। अब ऐसा नहीं कि होता नहीं, होता है लेकिन बहुत कम होता है। प्रपोज्ड को लोग ज्यादा थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेते, सजेस्टेड वाले में सीरियसली ले लेते हैं। तो भैया सीरियसली कुछ भी नहीं है, बस मजे से पढ़ो। उसके अलावा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के यहां पर थोड़ा सा बदलेगा इंपरेटिव सेंटेंस का। ये एक ऐसा सेंटेंस है लेटस वाला जहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। बाकी अभी तक हमने तीन तरह के सेंटेंस पढ़े, तीन टाइप पढ़े जहां पर हम लोगों ने टू का प्रयोग किया, लेकिन यहां हम दैट का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, भूलना मत, नहीं नंबर कट जाएगा। लेटस की जगह पर हम वी शुड या दे शुड में से एक का यूज कर सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं होती, बहुत ज्यादा भयंकर कंडीशन नहीं लागू होती कि ये शब्द आएगा तो वी शुड यूज करना, वो शब्द आएगा तो दे शुड का। यू कैन यूज वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर यू हैव, मतलब आप जो भी यूज करना चाहते, जो याद है आपको, वो लेटस की जगह पर वी शुड या दे शुड में से एक भी कोई भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात यहां पर यह आती, सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस की हिंदी निकालनी है कि प्रपोज जो हो रहा है प्रपोजल दे रहा है या सजेस्टेड कर रहा है। तो जैसे ही सेड लेट अस गो टू वॉच मूवी, उसने कहा आओ पिक्चर देखने चलते हैं, आओ मूवी देखने चलते हैं। अब ये सजेशन है कि प्रपोजल है, वो आपने अगर किसी से कहा होगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से ये प्रपोजल है तो ही प्रपोज्ड, यहां पर ये प्रपोज्ड फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दे। लेट अस के लिए क्या करेंगे, वी शुड का प्रयोग करेंगे, गो का गो, टू का टू, वॉच का वॉच, मूवी का मूवी, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। अस क्या है ना, अस वी का ही एक फॉर्म होता है, वी एवर अस, और लेट ने दो का सेंस देता है। खैर यहां पर इतना डीपली जाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आप लेटस वाला सेंटेंस याद रखें कि इसे लेटस वाले वाक्य कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का होता है। सी सेड लेटस स्टडी, उसने कहा आओ पढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रपोजल ना हो कि सजेशन है कि आओ भाई पढ़ाई किया जाए, तो मेरे हिसाब से ये सजेशन है। तो ही सजेस्टेड दैट वी शुड स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए। आई सेड टू हिम लेट अस गो फॉर वॉक, मैंने उससे कहा और टहलने चलते हैं, ये एक प्रपोजल हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से और कुछ भी है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, आप उसको यूज भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा बचने का तरीका ये भी है कि दोनों कर दो, प्रपोज भी करके स्लैश मार के ऐसे सजेस्टेड भी लिख दो, बच जाओगे, टीचर कुछ ना कुछ तो जो भी होगा वो समझ ही लेगा, ये बचने का तरीका है। लेकिन आप अच्छा से अच्छा ही लिखे। तो आई प्रपोज हिम दैट करके फिर वी शुड गो फॉर वॉक, ये आप कर सकते हैं। तो भैया बचने के तरीके बहुत हैं आपके पास, जहां पर भी आप कंफ्यूज हो, जहां पर दो तीन तरह के सेड या सेड टू की जगह पर बातें हो, तो वहां पर आप स्लैश करके दो जरूर चेप दो, है ना, इससे आप बच जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। कल मैं बात करूंगा ऑप्टेटिव की, इसको खत्म होने के बाद हम लोग इसकी फुल एक्सरसाइज एक एक करके इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी,
है ना, या असर्टिव इंट्रोगेटिव, सबकी एक एक दिन एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे, पूरा सॉल्व करा दूंगा, परेशान मत होना। बस एक काम करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके आराम से कमेंट कर देना। बाकी मैंने सेंटेंस नहीं दिया, अगर आपको कोई सेंटेंस में दिक्कत है तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं मेरे पास, मैंने आपको नंबर बताया 6386 4715 51। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।